गुरुद्वारा डेरा साहिब गुरु अर्जन देव जी का वह शहीदी स्थान जिथे उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। जिस स्थान पर असी इस वक्त खलोते है स्थान हैगा लाहौर पाकिस्तान। इस सारे इलाके मीनारे पाकिस्तान भी आख्या जाता है क्योंकि इतने पाकिस्तान की मीनार जिन्हों मीनारे पाकिस्तान कहने हैं वह है। नाल दूसरा इतिहासिक स्थल हैगा महाराजा रणजीत सिंह की समाध। तो मेरे पिछे तुम देख सकते हो सब तो इंपॉर्टेंट साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी स्थान। जिस स्थान पर असी खलोते हैं कभी इस स्थान पर रावी का दरिया वगैया करता सीगा। यह इलाका लाहौर के किले के अंदर आता है। लाहौर के किले के 12 दरवाजे ते एक मोरी है जिहड़ा लाहौर का मेन दरवाजा हैगा किले का। तुहानू उहदे भी दर्शन करावांगे। आओ अंदर चलने हाँ ते अंदर जाके गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं। जिस स्थान के आप जी दर्शन कर रहे हैं वो शहीदी पुराणिक इतिहासिक स्थल है जिथे साहिब श्री सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी दी गई सी। शहीद सरताज श्री गुरु अर्जन साहब महाराज पंचम पातशाह लाहौर शहर अपने ताए की मुंडी की शादी को अटेंड करने वास्ते आए सन। उस वक्त लाहौर शहर के जहांगीर बादशाह की हुकूमत सी। उसका एक रिन्यू आफिसर हों दीवान चंदूमल छेवीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की जी इनगेजमेंट है वो दीवान चंदूमल की डाटर के नाल हुई सी। पर उस वक्त दीवान चंदूमल ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जेड़े संगत को अच्छे नहीं लगे। तो संगत ने आके गुरु पास बेनती की गुरु महाराज दीवान चंदूमल जड़ा हैगा बहुत अहंकारी हैगा तुसी इस रिश्ते तो इनकार कर दो। ता उस वक्त गुरु अर्जन देव महाराज ने उस रिश्ते तो इनकार कर दिता। इस स्थिति में दीवान चंदूमल ने बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज ने गोनवाल साहब तो गिरफ्तार करके लाहौर शहर लिया। उस वक्त लाहौर शहर दीवान चंदूमल के थां थां ते टॉर्चर सिल सन। लाहौर शहर लाल खूह हैगा। लाल खूह के दीवान चंदूमल का टॉर्चर सिल सी। उत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने 6-7 दिन तक बहुत टॉर्चर दिते गए। तत्ती तवी ते बैठाया गया, उबल की देगा में बैठाया गया, बहुत टॉर्चर दिते। हज़रत इमाम मीर साहब हो जो एक मुसलमान फकीर है, उन्होंने जब इस चीज़ का इलम होया कि एक संत फकीर के उत्ते बहुत जुलम हो रहे हैं तो उसने इतने आके गुरु महाराज को बेनती की। गुरु महाराज मैनू वाहिगुरु ने अल्लाह तला ने शक्ति दी हैगी कि तू चाहें तो मैं दीवान चंदूमल की उवल जो गवर्नमेंट हैगी उसको डिस्ट्रॉय कर देवा। तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो उस गुरु महाराज ने मनने वाला हैगा, मैंने किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो रही। तो उन्होंने दसो गुरु महाराज फिर तुम्हारी ख्वाहिश की हैगी। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने यह किया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह हैगी कि मेरी रावी इश्नान करना चाहना। लिहाजा 30 मई 1606 ईस्वी को जिस स्थान पर असं बैठे इस वक्त है इतने दरिया रावी चल रहा। तो गुरु अर्जन देव महाराज शाम के वक्त दरिया रावी के किनारे आए। उत्थे उन्होंने टुबी मारी और टुबी मार के जिस स्थान के उत्ते वो अलोप हो गए। 12 साल बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने फॉलोअर के नाल आए, इस स्थान के दर्शन किए। जब स्थान के दर्शन किए तो यह फैसला किया गया कि गुरु महाराज की याद एक छोटा गुरुद्वारा साहब बनवाया जाए। लिहाजा 1619 पहले उत्थे गुरुद्वारा साहब बनवाया गया, फिर बाद संगत दर्शन दिदारे वास्ते आया करन। तो 1645 संगत ने दोबारा बनवाया। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जब तो पंजाब के बादशाह बनी तो उस वक्त वह जरा सामने शाही किले हैगा उत्थे रणजीत सिंह की रिहायश होंगी सी। उन्होंने गुरुद्वारा साहब के उत्तर गोल्डन रूम बनवाए। तो गुरुद्वारा साहब के अंदर भी गोल्डन का कम किया हैगा। और असी गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिवस हर साल 16 जून में इस स्थान पर मनाने है। साले को काफ़ी संगत जी आल वर्ल्ड है वो इतने आदि है। तो गुरु महाराज का शहीदी दिवस देगा ऐसा पाते हैं।